हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्नोशाम चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने सुजाता पावरमैटिक जूसर मिक्सर ग्राइंडर पर 3 वीडियोस बनाए हुए हैं। पहले वीडियो में मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी थी और दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कैसे हम इसकी हेल्प से मसालों को ग्राइंड कर सकते हैं, और तीसरे वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम जूसेस को निकाल सकते हैं, चाहे वो फ्रूट जूस हो या फिर वेजिटेबल जूसेस हो। दोस्तों, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर उन्हें देख सकते हो। लेकिन मेरे पास कुछ व्यूअर्स के मैसेजेस और ईमेल्स आए हैं, उन्होंने कहा है कि आप सुजाता पावरमैटिक के इस्तेमाल से हल्दी को ग्राइंड करके दिखाइए, क्योंकि हल्दी बहुत ज्यादा हार्ड होती है और ज्यादातर ग्राइंडर इसे ग्राइंड नहीं कर पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं और आज के वीडियो में सुजाता पावरमैटिक के इस्तेमाल से हल्दी को ग्राइंड करके देखेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कैसे हम हल्दी को ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। और आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कितनी आसानी से आप सुजाता पावरमैटिक के इस्तेमाल से हल्दी भी पीस सकते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हो, मेरे पास ये हल्दी है, तो आप देख रहे हो काफ़ी बड़े बड़े पीसेज होते हैं हल्दी के और बहुत ही हार्ड होती है ये। सबसे ज़्यादा हार्ड मसाला यही होता है। तो दोस्तों, हल्दी को पीसते समय हमें कुछ सावधानियां रखने की बेहद ज़रूरत है। अब वो सावधानियां क्या हैं, क्योंकि हल्दी के पीसेज काफ़ी बड़े होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इन्हें छोटे छोटे पीसेज में तोड़ना होगा। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास एक छोटा सा खरल है, जिसमें हम अदरक वगैरह कुचलने के काम में आता है ये। अगर आपके पास कोई इससे बड़ा खरल हो या छोटा भी खरल है या फिर कोई इमाम दस्ता हो, तो उसमें आप हल्दी को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लीजिए, पहले क्रश कर लीजिए इसे, जैसे कि मैंने ये पहले से क्रश कर रखी है। इसका जो सुजाता का जो मसाला पीसने वाला जार है, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें हमने मसाले ग्राइंड करते हैं, तो इसके अंदर हम इसे डालेंगे और फिर ऑन करेंगे इसे और फिर देखेंगे कैसे हम इसको इसे पीस सकते हैं। इस जार में जो इसका मसाला ग्राइंड करने का जार है, इसमें हम ग्राइंडर में डालेंगे इसे, इसके अंदर डाल देते हैं इसको। ये हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसके बाद इसे प्रॉपरली हम इसे बंद कर देंगे। आप इसको ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि हल्दी को पीसते समय काफ़ी सावधानियां हमें रखनी होंगी। अब जैसे कि आप देख रहे हो हमारा ये तो जूसर पोर्शन है इसका, इसको हम हटा के अलग कर देते हैं, क्योंकि इसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और पावर हमारी ऑन हो गई है, मैंने लगा रखी है पावर ऑलरेडी। अब हम इस जार को, जो हमारा ग्राइंडर जार है, इसको हम कर देते हैं फिक्स। ये हो चुका है फिक्स। पहले विप वाला बटन है, इसको प्रेस करेंगे थोड़ी देर और कंटिन्यूस हम बाद में चलाएंगे, पहले हम करते हैं विप। जैसे इसको प्रेस करेंगे और जब इसके थोड़े छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे, तब हम इसको कंटिन्यूस चलाएंगे। इसको अब हम इसे ऑन करेंगे। और 2-3 मिनट के अंदर हमारी जो हल्दी है वो पिसके तैयार हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से आप हल्दी पीस सकते हैं बहुत आसानी से। इसे हम बंद करके एक बार चेक कर लेते हैं। हमने इसे बंद कर दिया है, बंद करके एक बार इसे चेक करेंगे। और इस तरह से आप काफ़ी इजीली इसकी मदद से, सुजाता पावरमैटिक की मदद से हल्दी आप पीस सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मोटर है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, 900 वॉट की मोटर है इसकी। और लेकिन प्रिकॉशंस जो मैंने बताई थी वो आपको रखनी है। आटा छानने वाली जो छलनी है उससे आप इसे छान भी सकते हो और ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बारीक पिस चुकी है हल्दी। तो इस तरह आप सुजाता पावरमैटिक के यूज़ से काफ़ी आसानी से हल्दी को भी ग्राइंड कर सकते हैं, हल्दी को भी पीस सकते हैं, और बाज़ार के नकली मसालों से आप बच सकते हैं। साबुत मसाले घर पर लेके आइए और सुजाता पावरमैटिक से आप उन्हें घर पर ही पीस कर यूज कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल प्योर मसाले मिलेंगे।
तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन। थैंक यू।